गाजा में हमास के साथ युद्ध में इसराइल को झटके पर झटके लग रहे हैं। एक तरफ गाजा की एक सुरंग में 6 इजरायली बंधकों के शव मिलने से पूरे इसराइल में आक्रोश पैदा हो गया है। वहीं दूसरी तरफ उत्तरी बॉर्डर पर हिजबुल्ला इस जंग में आग में घी डालने का काम कर रहा है। हिजबुल्ला के ड्रोन, रॉकेट और मिसाइलें इजरायली सेना को रह रह कर दहला रहे हैं। यहां तक कि आईडीएफ की तरफ से पलटवार करने के बावजूद हिजबुल्ला और ज्यादा आक्रामक हो चुका है और अब इस पूरी जंग का रुख बदलता हुआ दिख रहा है। उसकी सबसे बड़ी वजह है हिजबुल्ला के हवाई हमले, जो पूरे उत्तरी इसराइल से लेकर अन्य इलाकों के लिए एक बड़ा खतरा बन गए हैं। बीते दिनों में हिजबुल्ला ने ड्रोन हमलों के मामले में महारत हासिल की है, जिसका तोड़ आईडीएफ के पास भी नहीं है और खुद इजरायली मीडिया भी इस बात को बखूबी समझ रहा है। दरअसल इसराइल के चैनल 12 ने अपनी एक रिपोर्ट में कहा कि हिजबुल्ला का एयर डिफेंस सिस्टम इसराइल के एयर डिफेंस सिस्टम पर हावी होता हुआ दिख रहा है। चैनल का कहना है कि इजरायली एयरफोर्स के अधिकारियों को हिजबुल्ला की हवा में बढ़ती ताकत से पैदा हो रहे बड़े खतरे का एहसास हो चुका है, क्योंकि हिजबुल्ला ईरान से एयर डिफेंस सिस्टम लेने में कामयाब रहा है। साथ ही उसके पास अब कंधे पर रखकर चलाई जाने वाली हैवी मिसाइल और उसके प्लेटफॉर्म मौजूद है, जो लेबनान के आसमान में इजरायली जेट्स को गिरा सकते हैं। इसकी वजह से इजरायली एयरफोर्स की लेबनान के भीतर हवा में ताकत कम हो सकती है। चैनल 12 का कहना है कि मौजूदा और पिछले 11 महीनों में हिजबुल्ला की ये उपलब्धि बताती है कि कैसे उसने इसराइल के 5 बड़े 450 हर्मीज और 900 हर्मीज ड्रोन को मार गिराया है। हालांकि चैनल 12 का कहना है कि उसकी शुरुआत आज से करीब 5 साल पहले ही हो गई थी, जब हिजबुल्ला ने लेबनान में इजरायली जेट्स के लिए रेडार लॉक करना शुरू कर दिया था। 2019 में आईडीएफ के एक ड्रोन से दागी गई मिसाइल को हिजबुल्ला ने डिटेक्ट कर लिया था। इसके अलावा 2020 और 2021 में हिजबुल्ला ने ऐसी कई मिसाइलों को डिटेक्ट किया था। हालांकि हिजबुल्ला के पास इस तरह की इंटरसेप्टर मिसाइलें कहां से आई, ये भी बड़ा सवाल है। लेकिन चैनल 12 का कहना है कि हिजबुल्ला के पास ये मिसाइलें सीरिया होते हुए समुद्र के रास्ते पहुंची हैं। यहां तक कि इन मिसाइलों की डिलीवरी में रूस के बड़े अधिकारियों का भी हाथ हो सकता है। इसके अलावा इन हथियारों को चलाने की ट्रेनिंग हिजबुल्ला को ईरान की कुछ फोर्स से मिलती है, जिन्हें सीरिया और ईरान में ट्रेन किया गया है। और इससे भी ज्यादा बड़ी बात यह है कि लेबनान में हथियारों का जखीरा इकट्ठा करने के पीछे सीधे सीधे ईरान का हाथ है। यहां तक कि वो गाजा में हमास को भी हथियारों की सप्लाई कर रहा है, जिससे हमास के लड़ाके अभी तक मैदान में डटे हुए हैं। और यही वजह है कि गाजा से ज्यादा अब लेबनान बॉर्डर इसराइल के लिए एक बड़ा खतरा बन चुका है।